ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो झारखंड में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। 13 सीटों पर 189 प्रत्याशी मैदान में हैं। 13 सीटों पर 37,83,055 मतदाता वोट करेंगे। पहले चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1,343 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव कार्य में लगाए गए हैं 5 हेलीकॉप्टर। वही मतदान के दौरान एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्थाएं की गई है। तो सारी तैयारियां कर ली गई है और 7 बजे से मतदान की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। आज झारखंड के पहले चरण का मतदान होगा और इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठाएं दांव पर लगी हुई है। 7 बजे से 3 बजे तक मतदान का समय होगा, जहां 13 सीटों पर 189 प्रत्याशी मैदान में है। 13 सीटों पर 47,83,055 मतदाताओं आज किस्मत का फैसला करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1,343 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आज इन सभी 13 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा के चुनावी यज्ञ में आज पहली आहुति डाली जाएगी और इसके लिए आज मतदान जरूर करें, क्योंकि कल बेहतर करना है और अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करें। कशिश न्यूज के जरिए हम आपसे अपील करते हैं, आज राज्य के 13 विधानसभा सीटों के लिए मतदान डाले जाएंगे। 37,83,055 वोटर्स आज प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगे, जहां पर लोहरदगा सीट के लिए भी आज मतदान डाले जाएंगे। और बता दें कि 13 सीटों पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने किस्मत आजमाएंगे। चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पाकी, डाल्टेनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर, ये सभी सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, और अति नक्सल प्रभावित इलाके में शाम 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। और लातेहार सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ के प्रमुख उम्मीदवार बीजेपी से प्रकाश और हमारे सहयोगी लातेहार से मनोज इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, 7 बजे का समय था, मतदान की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी होगी, कितनी भीड़ नजर आ रही है फिलहाल आज पहले चरण के मतदान में? जी, अगर भीड़ की बात करें, चूंकि समय तो अब आरंभ हो चुकी है, अब समय के साथ में लोगों का आना भी आरंभ हो चुका है मतदान केंद्र पर, तो ऐसे में भीड़ चुकी समय यहाँ पे ठंड का थोड़ा सा मौसम ज्यादा है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सूर्य देव का दर्शन हो, थोड़ा धूप कड़ा हो जिससे ठंड से हमें निजात मिले, उसके बाद धीरे धीरे मतदान केंद्र पे हम लोग प्रस्थान करें। तो अभी इक्का दुक्का लोग ही मतदान केंद्र पर आ रहे हैं, लेकिन ये भीड़ बढ़ेगी और आधा से 1 घंटा के बाद मतदान केंद्र में कतारबद्ध मतदाता हो जाएंगे। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं, चूंकि इस समय जो हम लोग जिस बूथ में खड़े हैं यहाँ 267 और 268 बूथ संख्या है, चूंकि यहाँ पे 2 बूथ केंद्र मतदान केंद्र बनाया गया है, तो उसी लिहाजा से सुरक्षा कर्मी और सारा कुछ यहाँ पे पूरा मुस्तैद किया गया है। और बड़ी चीज होगी, चूंकि यहाँ पे निषेधाज्ञा पूर्ण रूप से अपराह्न 3 बजे तक लागू रहेगी, चूंकि मतदान केंद्र से 100 मीटर का परिधि को पूरा निषेधाज्ञा लागू किया गया है। वहां से कतारबद्ध जो भी रहेंगे वो कतारबद्ध आएंगे, उसके बाद मतदान का अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। बड़ी दिलचस्प चीज क्या होगा, लातेहार जिला और मनिका विधानसभा क्षेत्र और लातेहार विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे लातेहार की अगर बात करें तो यहाँ भाजपा और जेएमएम में सीधी टक्कर देखी जा रही है। वही अगर झारखंड विकास मोर्चा के प्रकाश राम मौजूदा विधायक है, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस तरह से टिकट किया गया उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या लगता है अगर विकास की बात करें तो उनके कार्यकाल में विकास हुआ है और जनता का मूड क्या है? इसी बात को लेकर यहाँ बार बार कशिश की टूम, चूंकि पहले भी जन चौपाल लगा चुकी थी और बात इससे जनताओं का मूड का जानने का भापने का भी प्रयास करी थी, क्योंकि जनता का स्पष्ट करना वो बदलाव का मूड में है। लेकिन बदलाव किस लिए, बदलाव विकास के लिए चाहिए, बदलाव जमीनी हकीकत रोजगार के लिए यहाँ पे बदलाव चाहिए,
तो वैसे नेता को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, चूंकि एक यहाँ पे विकल्प भी जनता के सामने बहुत ज्यादा है, चूंकि ऑप्शन एक अगर मौजूदा विधायक की बात करें तो ये पूर्व में जेबीएम के प्रत्याशी और उनके टिकट पे यहाँ पे लातेहार विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करे थे। उसके बाद इन्होंने महज एक से डेढ़ महीना पूर्व इन्होंने भाजपा का दामन थामा था, तो ऐसे में एक भाजपा में आक्रोश भी था। हमने बार बार दिखाने का प्रयास करा था, चूंकि लातेहार जिला का भाजपा का जिला अध्यक्ष कई कार्यक्रम से नदारत रहे थे, चूंकि मुख्यमंत्री का भी यहाँ आगमन हुआ था तो उस दौर से भी ये नदारत रहे थे, तो ऐसे में कई सवाल उनसे पूछे गए थे, मन से भी पूछे गए थे, तो उनका जवाब था, चूंकि संतुलित जवाब तो नहीं दे पाए थे लेकिन जवाब संतुलित करने का जरूर प्रयास किया गया था कि भाजपा ही हमारा भाजपा परिवार है और हम उस परिवार का हम अंग है। तो इस तरह से खेमे थोड़े से बटे हुए यहाँ पे जरूर नजर आए हैं, चूंकि प्रकाश राम का एक अपना कार्यकर्ता थे और वो कार्यकर्ता भाजपा का भी एक हुए, तो इनका एक थोड़ा सा मजबूती प्रदान हुआ है, चूंकि अपने कार्यकर्ता और भाजपा का एक अपना परिवार, तो थोड़ा सा पलड़ा जरूर भारी दिख रहा है, लेकिन उसी पैदान में जेएमएम भी कुछ कम नहीं है, वो भी चूंकि दो तरफा मुकाबला हो गया, एक ओर भाजपा दूसरी ओर जेएमएम, तो सब मिला जुला का भी कहना कुछ ज्यादा जल्दबाजी होगी, चूंकि जनता का मूड किस ओर जाता है ये शाम 3 बजे तक हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे कि जनता आखिर किसको यहाँ पे अपने प्रतिनिधित्व चुनने का कार्य कर रही है। जी मनोज, अगर वेबकास्टिंग की बात करें तो वेबकास्टिंग की व्यवस्था किस तरह से की गई है, अगर ईवीएम किसी भी वजह से खराब हो जाती है तो उसे बदलने की व्यवस्था किस तरह से की गई है, अगर वहां पर मौजूद कोई अधिकारी है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। जी हमें थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि यहाँ प्रोजाइडिंग ऑफिसर भी है और सुरक्षा में भी मुस्तैद है यहाँ पे, तो हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आखिर सर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप यहाँ पे मुस्तैद हैं, लेकिन आपातकाल में अगर ईवीएम मशीन खराब हो जाती है तो आप लोग उसको किस तरह से निराकरण करेंगे? निराकरण में उसको वाटर कंट्रोल रूम को खबर करेंगे और फिर वहां से आएगा। इनका कहना है कि यहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, यहाँ पे काल व्यवस्था यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था ईवीएम का नहीं है इनका, लेकिन इनको सख्त निर्देश है कि अगर किसी तरह का कोई परेशानी होती है ईवीएम मशीन में तो तत्काल वो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करें और इन्फॉर्म कंट्रोल रूम से ही की वेबकास्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है। माफ करेंगे, सवाल दोबारा दोहराएंगे मनोज, वेबकास्टिंग के लिए भी जानकारी ले लें कि वेबकास्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है। जी वेबकास्टिंग की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय के अलावे 3 ऐसे केंद्र हैं जहां पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था रखी गई है, चूंकि जिला मुख्यालय खुद उपायुक्त वेबकास्टिंग को मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वहां पे पल पल की जानकारी है, चूंकि यहां पे टीम है, उड़नदस्ता की टीम है और वो पूरा सारे चूंकि सभी बूथों को एक नजर से पूरा मॉनिटरिंग रखे हुए है, तो वेबकास्टिंग का जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम है और वहां से सारा अपडेट और लाइव दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब लोगों के आने का सिलसिला भी जारी हो चुका है और लोग अपना वोट डालेंगे और वोट डाल करके आज के किस्मत बिल्कुल का लेकिन लातेहार में जो इतनी भीड़ है वो नजर नहीं आ रही है शायद ठंड की वजह से, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी।